हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो अक्साई चीन पर होने वाली है। अगर आपको मालूम ना हो तो बता दूं कि अक्साई चीन जम्मू कश्मीर का वो भाग है जिस पर चाइना ने 1962 की लड़ाई के बाद कब्जा बना रखा है। लेकिन इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर इस बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 1962 की लड़ाई के बाद चाइना ने लद्दाख के भाग पर कब्जा बनाने के बाद सीज फायर घोषित कर दिया था और ये लड़ाई वहीं रुक गई थी। हालांकि चाइना ने अरुणाचल के तवांग जिले को भी जीत लिया था, लेकिन कुछ कारणों से उसने तवांग जिले पर अपना कब्जा छोड़ दिया। सीज फायर के बाद से भारत और चीन के बीच अक्साई चीन को लेकर बातचीत का दौर शुरू हो गया, जो कि आज तक चलता आ रहा है। अब तक भारत और चीन के बीच बातचीत की 19 राउंड्स खत्म हो चुकी हैं, लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? अभी हाल ही में न्यूज़ मैगजीन को दिए इंटरव्यू में चाइना के टॉप डिप्लोमेट, जिनकी अध्यक्षता में भारत चीन बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि अरुणाचल तिब्बत का अभिन्न अंग है और इस लिहाज से भारत को अरुणाचल पर अपना दावा छोड़ देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के ऐसा करने पर ही चीन 38,000 स्क्वायर मील में फैले अक्साई चीन को वापस भारत को सौंपने के फैसले के बारे में सोच सकता है। मतलब अगर इनके हिसाब से चलें तो 38,000 स्क्वायर मील वाले अक्साई चीन को पाने के लिए भारत को 90,000 स्क्वायर मील के अरुणाचल पर अपना दावा छोड़ना होगा, जो कि कतई संभव नहीं है। मतलब एक बात तो साफ है कि अब तक हुई 19 राउंड्स की बातचीत का कोई भी नतीजा नहीं निकला है और बात घुमा फिराकर वही पहले वाली बात पर आ जाती है। दोस्तों, ये एक सच्चाई है कि चीन अपनी एक इंच ज़मीन भी किसी के हवाले नहीं करेगा, भले ही उसने उस पर ज़बरदस्ती कब्जा बनाकर रखा हो, जैसे कि तिब्बत और अक्साई चीन। तो दोस्तों, भारत चीन के बीच चली इतनी लंबी बातचीत का क्या नतीजा निकला, यही आपको बताना था। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, आगे फॉरवर्ड भी करना, और हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ।